Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zaidi from Lucknow. आज की क्लास में हम लोग ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स के और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के. और ये सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं, इस तरह के होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर्स के होंगे. इंग्लिश की क्लास रेगुलरली होती है या रोज 9:30 बजे रात में, और अब कुछ दिन बीच बीच में 4 बजे भी होगी, दिन में 4 बजे. तो दो क्लासेस अब हुआ करेंगी. ये वाली तो बिल्कुल रेगुलर ही है, और आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, और इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स ये देख सकते हैं. ऐप पे आपको पेड बैच भी मिल जाएगा जो प्लस नाम से चलता है, और जो फ्री क्लासेस है वो स्पेशल नाम से. जैसे आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको UPSC एंड UP SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे यूपी स्टेट गवर्नमेंट के. तो वो भी करिए पेड बैच, लेकिन फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगी. उसमें एक नई चीज स्टार्ट किया अनअकैडमी ने इस महीने, फ्री मिनी कोर्सेज. मतलब इसमें ये है कि हर एक सब्जेक्ट की एक एक हफ्ते की क्लास होंगी, उसमें मेन टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, तो उसमें आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा. जैसे इस हफ्ते सेकेंड वीक में ये एनवायरमेंट और साइंस टेक की क्लासेस हो रही हैं. बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर जुड़े हुए हैं अनअकैडमी से. इसी तरह से CSAT की मिनी कोर्स चल रहा है, NCERT रिविजन कैम ज्योग्राफी का, इससे पहले इंडियन इकोनॉमी का हुआ था. फतेह UPSC एक टेस्ट सीरीज का एनालिसिस स्टार्ट किया अनअकैडमी ने, जिसमें पहले टेस्ट होगा फिर उसका एनालिसिस टीचर करवाएंगे, मतलब मुकेश सर करवाएंगे, और उसमें जो टॉप करेंगे बच्चे उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी. और UPSC अभ्यास एक स्टार्ट हुआ है सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, 20 सवाल 20 मिनट में ये डिस्कस होंगे. पहले आप सॉल्व करिए, फिर उसको डिस्कस कराया जाएगा 7:30 पे. एनालिसिस उसका होगा इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा. प्लस भी प्लस तो है ही ऐप पे, लेकिन प्लस में बेनिफिट क्या है उसके बारे में थोड़ा सी थोड़ी जानकारी. गॉड्स गिफ्ट गेस हु, गुड इवनिंग दीपांशु, हैप्पी इवनिंग MJ, गुड इवनिंग नमस्ते माइलस्टोन्स, खुश रहिए उपासना, गुड इवनिंग आयुष, नमस्कार मेहुल. तो देखिए प्लस में क्या होगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस होता है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट, क्विजेस, ये सब होते हैं, नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF फॉर्म में, डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होते हैं, लाइव क्लासेस सबकी मिलेंगी जिनको आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, वो स्पेशल क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब की भी देख सकते हैं. वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें इंडिया और स्टेट लेवल पे रैंकिंग आती है, वो भी दीजिए. प्लस में जब आप एक बार प्लस ज्वाइन कर लेंगे, फिर आप कोई भी बैच किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं किसी भी टीचर से. जैसे टारगेट बैचेस हैं अपर सबॉर्डिनेट का, 15 मार्च से, मतलब आज ही से स्टार्ट हुआ, 30 जनवरी अगले साल तक चलेगा. UPSC प्रीलिम्स का बैच है 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने का. फिर RO का बैच है 90 डेज का, 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है UPSC प्रीलिम्स, ये 3 महीने का. तो ऐसे बैच ज्वाइन करने हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और एडमिशन लें तो इस कोड को यूज करके डिस्काउंट मिलेगा SZ10. पेमेंट करने से पहले आपको भरना होगा, अप्लाई पे क्लिक करिएगा, आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा. आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, यूपी का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जितने भी अनअकैडमी पे चल रहे हैं, और कोई भी ड्यूरेशन हो, किसी भी टीचर से पढ़ना चाहें. जैसे 1 महीने से लेकर 2 साल तक के ड्यूरेशन है, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप 1 साल या 2 साल का ज्वाइन करें. और 10% क्रेडिट्स के थ्रू भी डिस्काउंट है, मतलब टोटल 20% डिस्काउंट. कोड याद रखिए बस. और फ्री क्लासेस देखने के लिए टाइमिंग्स देख लीजिए एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. यूपी स्टेट की कैटेगरी में प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा शीना नौरीन, फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे. 1:30 बजे रोज होती है क्लास, जैसे ये यूट्यूब की रोज होती है 9:30, तो ऐप पे 1:30 बजे होती है. फिर 5:30 को होती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं, क्योंकि इसी टाइम प्लस का बैच चल रहा है. जब प्लस का ओवर होगा या गैप होगा तब ये फ्री क्लास उस टाइम होगा 5:30 पे. और अब यूट्यूब पे 4 बजे भी कभी कभी क्लास होगी, जैसे परसों है. ठीक, तो ये टाइमिंग्स थी कुछ. और अब स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ग्रामर के सवाल जो एग्जाम्स में आए हैं. पहला सवाल, वी स्पेंट एन आवर डिस्कसिंग अबाउट अ करियर.
अगर मिस्टेक है तो कैसे सही हो? ए बी सी में से कुछ या फिर नो एरर? ऑन अ करियर, ऑफ अ करियर, डिस्कसिंग अ करियर या नो एरर? मैं हूँ नो एरर। मेहुल का अलग है और सबको सही लग रहा है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, डिस्कस के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, अबाउट, ऑन, ओवर, कुछ नहीं, बस डिस्कसिंग अ करियर, सीधे ऑब्जेक्ट। ही वॉज डिस्कसिंग हिज प्रॉब्लम, शी वॉज डिस्कसिंग हर करियर, बस इतना होगा, प्रेपोजिशन कुछ नहीं। ठीक, सही है ज्यादातर का। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, नोट कर रहे हो साथ में, तो डिस्कस प्लस नो प्रेपोजिशन। सेकेंड, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years अगो। हाँ, माइलस्टोन्स का सही था। हैपेंड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन वो मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, शफकत कई दिन बाद आए, प्लस का क्लास नहीं कर रहे, आज वर्ब स्टार्ट किया है। आपका तो वैसे हो भी चुका था प्लस ज्यादातर शब्द। अच्छा, बी और सी लग रहा है। देखिए, जस्ट और एग्जैक्टली दोनों साथ में नहीं आएंगे। नमस्ते हर्षित, वणक्कम। जस्ट और एग्जैक्टली साथ में नहीं आएंगे। कोई एक चीज लाइए, दिस हैपेंड जस्ट 5 years अगो। जस्ट 5 years अगो अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है सिर्फ 5 साल पहले। सिर्फ 5 साल पहले ये मतलब हुआ, केवल 5 साल पहले। एग्जैक्टली मतलब क्या भी बता रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 ही साल हुए, मतलब इससे ना ज्यादा ना कम, ठीक ठीक 5 साल। तो दोनों हो सकते हैं, वो तो मीनिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ में ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, दोनों साथ में नहीं आएंगे। खुश रहिए आशीष। आई एम फाइन थैंक यू हर्षित, आप कैसे हैं? इफ द टीचर इज गुड, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव टू देम। आई एम फाइन आशीष, थैंक यू, हाउ आर यू? आपने प्लस की क्लास आज नहीं की, वर्ब्स आज स्टार्ट हो गया है। सबको सी लग रहा है, चंगा सी। नेक्स्ट, देखिए, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव।
सबको सी। रिस्पॉन्ड है वर्ब, प्रतिक्रिया देना। वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव का नहीं होता। पॉजिटिव तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। हम लोगों को एडवर्ब चाहिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली, पॉजिटिवली होगा। पॉजिटिवली हुआ एडवर्ब वाली फॉर्म। दूसरी चीज, एल वाई लगाने से एडवर्ब वाली फॉर्म बन जाती है लगभग हमेशा, मैनर दिखाने के लिए। दूसरा ये है, टीचर के लिए क्या है? टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन पुराना रूल अभी तक चल रहा है, जब ऐसा कोई वर्ड हो कि मेल फीमेल दोनों होते हो तो मेल को प्रेफर करते हैं, तो पॉजिटिवली टू हिम। ये हुआ, प्लूरल नहीं करेंगे, टीचर सिंगुलर है। तो ट्रेडिशनल रूल ये है कि मेल जेंडर को प्रेफर करें, या मैस्कुलिन जेंडर मेल के हिसाब से। कुछ सही आयु, आज फीवर था। ओ अब ठीक है। हाँ ये मौसम बदल रहा है, तो वैसे तो अब तो बदल ही गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, भूटान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। पांच ऑप्शन है इसमें। आज सब स्पॉटिंग एरर या इंप्रूवमेंट के हैं। अच्छा आयुष, सबको भी ही लग रहा है ऑफ बीच। भूटान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, भूटान एक सुंदर देश है। जो विच का तो मतलब हो गया जो, जो ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है। यहाँ पे क्या कहना है? जिसकी 80% पॉपुलेशन, जिसकी के लिए, मतलब रिलेशन दिखा रहे हैं, जिसका या जिसकी, अगर ऐसे कहें तो रिलेशन हुआ, और रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ आता है। तो ऑफ विच, भूटान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री ऑफ विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, जिसकी के लिए ऑफ विच आया। सही है सभी का। फिफ्थ, गुड इवनिंग तनु। देखिए इन क्यों नहीं किया, इन का मतलब हो गया जिसमें, कह सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, पिछले वाले पे जाएं। भूटान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री इन विच, इन विच भी बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है कि बाद में भी इन आ रहा है। जिसमें 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है, बोल सकते थे वो भी, लेकिन थोड़ा बेटर ऑफ है। जिसमें रहते हैं बोला जा सकता है, लेकिन जिसके 80% रहते हैं ये बेटर है, क्योंकि बाद में फिर से इन आ गया। नेक्स्ट, आई अक्वेंटेड द इंस्पेक्टर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, विद टू ऑन या नो एरर। ए
सबको ये लग रहा है। चलिए सही है। आई अक्वेंटेड मतलब उसको जानकारी दी, अक्वेंट के बाद विद आता है, जान पहचान होना ये भी अक्वेंट का मतलब है, अक्वेंटेड विद, लेकिन यहाँ पे है जानकारी देना, अवगत कराना। दी आई अक्वेंटेड द इंस्पेक्टर विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब मैंने उसको फैक्ट्स ऑफ द केस की जानकारी दी। नेक्स्ट ये सबका सही। सिक्स्थ यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। हाँ सब है, ममता ने तो हाँ बताया था, उपासना और स्वाति वो पता नहीं, स्वाति की आंख लग गई होगी बेचारी, बहुत पढ़ रही है आजकल। दादी माँ आर सी मेहुल आशीष माइलस्टोन सी सही यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। देखिए यू एंड आई दो लोग हैं तो हैव हुआ, ठीक है ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो भी सही है, लेकिन अब दो लोगों के साथ कहना है कि तुमने और मैंने हमारा बेस्ट किया है, तो मेरा नहीं होगा हमारा, आर बेस्ट, तुमने और मैंने हमारा बेस्ट, तो इसीलिए सी हुआ, ठीक सी हुआ। यू एंड आई हैव डन आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ये भी सभी का सही है। दादी माँ आशीर्वाद भी दे रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्म योर किंग एंड आई ग्रांट हिम परमिशन ऑफ स्टे इन माई किंगडम, इन्फॉर्म योर किंग दैट आई ग्रांट हिम परमिशन ऑफ स्टे इन माई किंगडम। इम्प्रूवमेंट टू स्टेट अच्छा आज आसान है सब वही प्रीवियस इयर्स के। देखिए इन्फॉर्म योर किंग दैट आई ग्रांट हिम परमिशन, परमिशन के साथ क्या आता है, परमिशन के साथ फॉर यूज होता है, फॉर आ सकता है, लेकिन फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म ऐसा होगा, फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो फॉर स्टेइंग हो सकता था, लेकिन उससे बेटर है परमिशन के साथ लाइए, परमिशन टू गो, परमिशन टू प्ले, परमिशन टू स्टे, ए ऑप्शन सही है। हाँ अगर ए ना होता तो फिर ये भी बिल्कुल सही है फॉर स्टेइंग, लेकिन इसमें तो उन्होंने दिया ही नहीं फॉर प्लस आई एन जी फॉर्म, इसीलिए परमिशन टू स्टे ये होना चाहिए। आठ हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, आपके सारे सही, वेरी गुड दीपांशु, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर।
दादी माँ योर्स। दादी माँ बहुत पढ़ रही है आजकल। तरुण डी। अच्छा आज सही चल रही है, आज नेटवर्क ठीक है। चरखी घूमती थी। हेलो अक्षय। नहीं पढ़ रही। अच्छा दादी माँ इस समय भक्ति में है। पढ़ के क्या करें, रोज क्लास भी नहीं ले पाती। जिस दिन स्वास्थ्य ठीक होता है उस दिन लेती हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्री, भूल जाती होंगी, क्लास भी है, याददाश्त भी क्या 7 दिन दे नहीं रही होगी। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब इसका मतलब क्या है, हिज एफर्ट्स और योर एफर्ट्स, हिज एफर्ट्स और योर एफर्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। या तो योर एफर्ट्स कहते हैं, लेकिन उससे बेटर सेंटेंस है या मच बेटर है, एफर्ट्स को दो दो बार नहीं लाएंगे, बस योर्स ले आइए। ये रिलेशन दोनों दिखा रहा है, योर और योर्स दोनों रिलेशन दिखाता है। लेकिन योर्स कब आएगा, जब बाद में कोई नाउन ना हो। इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा तो योर्स करेंगे, बाद में नाउन है तो फिर योर करेंगे। इसी तरह से माए होता तो माए कब लाते, जब बाद में नाउन होता, और माइन लाते जब नाउन ना होता। जैसे माई एफर्ट्स कहते हैं या माइन बस कहते हैं, देन माइन ये कहते हैं। बफरिंग होने लगी अभी। सही हो गया, मूड सही है। अक्षय क्या हो गया, मूड तो सही था। सर क्या पकड़ लिया था एक बार तो आपको मूड खराब लगने लगा, या कहीं सर में दर्द है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, देन योर्स डी में मिस्टेक थी। नाइन्थ, बड़ों का मजाक नहीं उड़ा। अच्छा दादी माँ आप भी कल बूढ़े हो। अरे हम लोग चिंता में कह रहे हैं। ही ऑलवेज सेज दैट दिस हिज फादर इज एन ऑफिसर एंड माइन फादर इज अ क्लर्क। दादियों मेरी तो आधी उम्र होगी। कल नहीं होंगे, अच्छा बुढ़े होने में कई वर्ष लगेंगे। नहीं अक्षय ऐसा नहीं, वो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे ना, कल 2 क्लासेस में वर्ब्स का चैप्टर खत्म करना है, और आप लोगों की बातें नहीं खत्म हो रही थी। चैप्टर खत्म होना है किसी भी तरह, लेकिन बातें तो चलती ही रहती हैं। सी अभी जो रूल आया ये वही है। ही ऑलवेज सेज दैट हिज फादर इज एन ऑफिसर एंड माइन फादर। माइन नहीं होगा जब बाद में तो ऑब्जेक्ट दिया है, तो या तो आप करिए माइन इज अ क्लर्क, माइन इज अ क्लर्क ऐसे कहिए, या माई फादर इज अ क्लर्क, माई फादर इज अ क्लर्क ये कहिए, दोनों में से कोई एक। तो माई फादर तो ऑप्शन में है ही नहीं, माइन इज अ क्लर्क हुआ सी। नेक्स्ट, 10th, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। हाँ सब बातों नहीं होगी, बस उपासना नहीं है बातों नहीं, ये सही कहा। अच्छा दादा कैसे, दादा कौन से क्लास में कर रहे हैं इस समय। दादी माँ बता रही इंडियाज। अच्छा
भक्ति भटोरे। अरे वो 10 साल पहले गुजर गए, दुख हुआ दादी माँ बहुत। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स कह रहे हैं तो अमेरिका की समस्याओं को इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं इंडिया की समस्याओं से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स से कंपेयर कर रहे हैं, देन इंडियाज ये होगा। डी में मिस्टेक है, देन इंडियाज। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। इंडियाज मतलब इंडियाज प्रॉब्लम्स, तो अपोस्ट्रोफी लाना पड़ेगा, अमेरिका की प्रॉब्लम और इंडिया की प्रॉब्लम को कंपेयर करना। 11th, द कमांडर इन चीफ फर्मली बिलीव्स ऑन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। इम्प्रूवमेंट का सवाल, गलत हो तो सही करिए। हाँ दीप्ति इक्वल टू तनु। देखिए द कमांडर इन चीफ फर्मली बिलीव्स, बिलीव के साथ इन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, बिलीव इन पंक्चुअलिटी, समय के पाबंद होने में और डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, तो बिलीव के बाद इन यूज होगा। फिक्स चाहिए तो आप कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन का रूल आए तो उसको हाईलाइट करके लिख लीजिए, नोट्स जहां भी बना रहे हैं इस तरह लिख लीजिए, बिलीव प्लस इन, जिससे आपकी नजर पड़ती रहे तो याद होता रहे। 12th, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेड टू टर्न अ डेफ ईयर टू दे कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। हमें भी कभी कभी लगता है बुढ़ापा आ गया, कब आईने के सामने खड़े होके बस ना। नमस्ते अनिल। राजपाल ई, तनु डी, कुछ का डी भी है कुछ का ई। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेड टू टर्न अ डेफ ईयर टू, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब ये इडियम होता है, मतलब इग्नोर कर देना। बहुत कम सोल्जर्स हैं जो अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स को इग्नोर करें, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स। देखिए अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, ये जो साइन होता है अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है रिलेशन दिखा रहा है, तो अपोस्ट्रोफी किधर आए, कमांडर्स इन चीफ नहीं, जब उनका पूरा नाम हो जाएगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी आएगा, कमांडर इन चीफ्स ये होगा। ये पढ़ते हैं नाउन के चैप्टर में ये रूल, तो पूरा नाम होने के बाद उसमें अपोस्ट्रोफी लगेगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, तो आंसर इसीलिए डी है, डी है कुछ ही का करेक्ट था ये। माय स्टोन्स तनु आशु, आप लोगों का सही है। उपासना, नेक्स्ट 13, अ हाउस इज अ स्पेशियस, इज स्पेशियस इनफ टू अकोमोडेट देम ऑल।
House, the house, an house. Yeah, no improvement. नहीं, डेयर के बाद इन्फिनेटिव. हाँ, डेयर इन्फिनेटिव नहीं, जैसे आई डेयर टू गो, आई डेयर टू गो पॉजिटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव आया. नेगेटिव में मैं जाने की हिम्मत नहीं करता. आई डू नॉट डेयर टू गो, आई डू नॉट डेयर टू गो इन्फिनेटिव. या दूसरा एक स्पेशल मेथड है, आई डेयर नॉट गो, आई डेयर नॉट गो. डेयर अगर स्पेशल मेथड आया आई डेयर नॉट, तब फिर डेयर इन्फिनेटिव आएगा, वैसे नहीं. होगा हाँ आशु. पूछ लीजिए. अब अगर अभी पॉसिबल होगा, छोटा है तो बता देते हैं. देखिए, अ हाउस इज स्पेशियस इनफ. अ हाउस नहीं, किसी विशेष हाउस की बात कर रहे हैं ना. इन लोगों को वहां रखने के लिए, ठहराने के लिए घर पर्याप्त है. तो ये थोड़ी, अ हाउस का तो मतलब कोई भी हाउस, कोई भी घर. वो कोई भी घर कैसे हो सकता है, बिल्कुल छोटे से छोटा घर कैसे हो सकता है. किसी विशेष घर की बात करेंगे. कोई विशेष घर मतलब पर्टिकुलर के लिए द आएगा, पर्टिकुलर के लिए द का यूज होगा. तो आंसर बी है, ज्यादातर का करेक्ट ही है ये तो, द हाउस. अच्छा, एन हाउस नहीं, ये जो है वर्ड, ये किसकी साउंड से स्टार्ट हो रहा है? ह की. ह की साउंड से, वॉवल की साउंड से नहीं हो रहा. ह की साउंड है तो अ हाउस होना चाहिए. अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? देखिए, अ नंबर ऑफ जो है, अ नंबर ऑफ पूरा ईडियम होता, ईडियम होता है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है. और इसका मतलब होता है कई. अ नंबर ऑफ का मतलब है कई या सेवरल. तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है. तो मतलब इसके बाद वाली चीज सब्जेक्ट होती है, इसके बाद वाली सब्जेक्ट होती है, और इसीलिए वो प्लूरल होता है. और जब आप द नंबर कह रहे हैं, जब आप द नंबर कह रहे हैं, तो द ये विशेष वाला है, और ये जो नंबर है वर्ड, ये सब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट है. देखिए, अ नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसका मतलब है कई. और द नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये रूल है इसका. ठीक, ये पूरा रूल है. अगले पे चलें. अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर. नहीं, सब्जेक्ट नहीं, दादी माँ, आपने वर्ब बताया तो यही बताया. देखिए आशु, अ नंबर ऑफ जब कह रहे हैं तो ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता. सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, तो इसके बाद ये सब्जेक्ट नहीं है. जब द नंबर कहेंगे तो द के साथ जो नंबर है वो सब्जेक्ट हुआ. आशु अभी जल्दी में बताया. चलिए, इसका सवाल नेक्स्ट टाइम जब आएगा कोई, तब फिर बताएंगे डिटेल में. अभी तो यही चीज कर रहे हैं. ये पूरा प्लस में रूल पढ़ाते हैं, अभी प्लस का बैच हुआ था, अभी वो इतनी जल्दी में पॉसिबल नहीं है. गुड इवनिंग आईएस, आई हैव रेड टैगोर्स पोएम्स, हु इज अ ग्रेट पोएट. अच्छा, आप प्लस में हैं तो करिए ना क्लास फिर. अभी एडजेक्टिव की तो खत्म की है, अभी परसों ही खत्म हुआ है ये, परसों किया, तो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग. जय हिंद प्रदीप.
आईएएस नमस्कार। अच्छा चलिए, और प्रैक्टिस में आएगा। अगर कल कोई प्रैक्टिस क्लास हुई तो जान के ऐसा ही सवाल डाल देंगे, अगर खुद बनाए हुए सवाल हुए। प्रदीप, हाँ ये 9:30 पे क्लास स्टार्ट होती है, आपको पता नहीं होगा शायद। अब इसमें एरर बतानी है किस पार्ट में है, नहीं तो नो एरर। दादी माँ डी, आईएस अशु बी, गुड इवनिंग निखिल। हाँ 9:30 से ये रोज होती है क्लास, 9:30। एक क्लास 4 बजे भी होती है दिन में, लेकिन वो रोज नहीं होती है, अभी स्टार्ट हुई है कुछ दिन पहले ही। अच्छा दादी माँ, कॉन्सेप्ट सही लगा, एक चीज गायब हो गई आपकी। देखिए, आई हैव रेड टेगोर्स पोएम्स, ठीक है यहां तक टैगोर की पोएम्स मैंने पढ़ी हैं, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो रही है, हु इज अ ग्रेट पोएट। अब हु का रिलेशन किससे है, तो प्रोनाउन के रूल के अकॉर्डिंग हु का रिलेशन अपने से ठीक पहले वाली चीज से होता है, अपने से जस्ट पहले वाला जो वर्ड है उससे रिलेशन है। अब पोएम के लिए हु तो आ नहीं सकता, हु तो इंसान के लिए आएगा, तो अब आप ऐसा क्या करें कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए, पोएम्स की जगह कोई इंसान आ जाए, तो वो इसी तरह हो सकता है। बस टेगोर पोएम्स का मतलब टेगोर की पोएम्स, तो आप ही कह सकते हैं आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टेगोर, द पोएम्स ऑफ, अपोस्ट्रोफी से रिलेशन दिखाया जाता है, ऑफ से भी दिखाया जाता है, तो ऑफ टेगोर कह देंगे, तो अब सही है। हु इज अ ग्रेट पोएट, अब हु का संबंध टेगोर से हो गया, तो हो सकता है द पोएम्स ऑफ टेगोर। जब ऑफ लगाते हैं तो पर्टिकुलर वाला द आता है, ऑफ लगाने से द भी जरूरी हो गया। कौन सी पोएम्स, विशेष टैगोर वाली, तो पर्टिकुलर के लिए दा, इसलिए मिस्टेक बी में थी। ठीक, तो ये सही था, कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है। नहीं क्वेश्चन मार्क क्यों होगा, ये सवाल थोड़ी कर रहे हैं। यहां तो कह रहे हैं मैंने टैगोर्स की पोएम्स पढ़ी हैं जो कि महान कवि थे, सवाल नहीं कर रहे हैं। 14 नहीं 15, द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब मिस्टेक हो तो सही करिए। सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन कब करेंगे, मतलब क्लास में हम लोग कब करेंगे शफकत, क्या पूछ रहे हैं? क्लास में किए हैं पहले, पहले की क्लासेस में आए हैं बहुत, फिर कर लेंगे अभी जल्दी, मतलब एक हफ्ते के अंदर कर लेंगे। हाँ आज अलाउद्दीन नहीं आए, मकबरे से निकले नहीं आज, वो किसी का फोन चुरा के बता रहे थे छीन लेते हैं, तो आज छीन नहीं पाए होंगे किसी का। आशु ए, दीप्ति बी, नहीं एरर बतानी थी। हाँ एरर के सवाल हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ए लग रहा है आप लोगों को। हाँ कुछ काम की वजह से जाना है, ठीक है अनिल कोई बात नहीं, ज्यादातर का ही। देखिए द इंडिया होगा नहीं, इंडिया के पहले ही या कोई भी प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल नहीं आता। हाँ कई सारे केसेस में आता भी है, वो हम लोग प्लस में सब अपवाद पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया के पहले द नहीं आया, सिर्फ इंडिया ही कहा जाएगा। दूसरी चीज है अ कंट्री, क्यों कहा अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जरूरी है अ जरूरी है, ए सही है, क्योंकि कंट्री है काउंटेबल नाउन, कंट्री को तो गिन सकते हैं, वन कंट्री टू कंट्रीज,
काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में होता है तो कोई आर्टिकल आता है उसके पहले. जैसे बताया है कई बार आई एम रीडिंग बुक गलत है, आई एम रीडिंग बुक कहेंगे तो रॉन्ग है, आई एम रीडिंग अ बुक कहना पड़ेगा. आर्टिकल लाइए, बस वही मिस्टेक यहाँ थी. तो ए में पूछ रही है अनिल. आबाद पढ़ते कम है बोलते सर. अपवाद इतने भी नहीं, लोग सोचते हैं अपवाद इंग्लिश में बहुत हैं, होते हैं लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं. ज्यादा डर बैठ गया उनका. एवरीबडी वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी. एरर देखी किसमें, बड़ा है सेंटेंस, पांच ऑप्शंस. और आप लोग अनअकैडमी में भी क्लास किया करिए, फ्री क्लासेस वहां पे भी होती हैं, वहां तो पोल सिस्टम होता है. रैंकिंग आती है SZ10 से डिस्काउंट पाओ. हाँ अगर एडमिशन लेंगे तो SZ10 का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट मिलेगा. रेफरल कोड लिख दें, किसी का इरादा हो कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहे. ये IAS निखा तनु सी. ऐप का नेटवर्क डूब जाता है. अच्छा वैसे उल्टा है यहाँ पे, YouTube के लिए हम लोगों को भी डेटा ज्यादा, मतलब स्पीड ज्यादा चाहिए होती है जो टीचर से ही बोला जाता है, वहां पे तो आसानी से ज्यादातर होता है. हेलो ममता नमस्ते. देखिए एवरीबॉडी सी आप लोग बता रहे हैं. एवरीबडी हु वॉज वर्किंग, एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है. एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. एवरीबडी, समबडी, एवरी वन, समवन, एनीबडी, इन सारे वर्ड्स को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं. तो देयर इसके साथ नहीं होगा, सी पार्ट में मिस्टेक है. देयर नहीं आएगा, हिज होगा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज होगा. अब फिर वही देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में देयर बिल्कुल सही है क्योंकि एवरीबॉडी में जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसमें तो मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे. लेकिन वही है, पुराना जो ट्रेडिशनल रूल चल रहा है वो ये है, इंडिया में जो फॉलो हुआ हो रहा है कि मेल फीमेल जब दोनों कवर होते हो तो मेल के अकॉर्डिंग चलेंगे. तो एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी के साथ ही की फॉर्म्स आएंगी. ठीक, तो आंसर हुआ सी. नेक्स्ट 17, यू शुड हैव लॉक्ड डोर बिफोर लीविंग हाउस. इम्प्रूवमेंट का सवाल. अच्छा कल डेढ़ वाली क्लास नहीं है, 1:30 सुबह की नहीं है, फिर ये 6 बजे प्लस की होगी और 9:30 यूट्यूब की होगी. दो क्लासेस है, दोपहर 1:30 वाली नहीं. मेहुल सी, ISB. एक दिन का गैप है. ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन की. अच्छा. हाँ ममता लग रहा है ऐसी. कल आई थी क्या?
कोई क्लास तो की थी, कोई सी तो की थी। देखिए, यू शुड हैव लॉक डोर, फिर वही चीज है, डोर है अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नाउन, डोर को गिन सकते हैं, वन डोर टू डोर्स, काउंटेबल नाउन सिंगुलर में है तो आर्टिकल आएगा ना, कोई ए आ या द कुछ आएगा। द क्यों आएगा अब, क्योंकि पर्टिकुलर डोर है ना, जो दरवाजा घर का था। ये तो है नहीं कि घर का कोई भी दरवाजा बंद कर देते, कोई भी दरवाजा नहीं, कोई विशेष दरवाजा। तो द डोर हुआ बिफोर लीविंग द हाउस, हाउस भी काउंटेबल है, दोनों काउंटेबल नाउन के रूल्स, काउंटेबल नाउन सिंगुलर में लिया है तो आर्टिकल लाइए कुछ। द डोर बिफोर लीविंग द हाउस, दोनों पर्टिकुलर की सेंस निकल रही है। सी इज करेक्ट, यस आई एस नहीं है, कल भी नहीं गिरी। अच्छा सी वन, नहीं आप सब लोग जान है क्लास की। 18, 4 बजे वाली की थी वो भी, अच्छा आधी की थी। माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स होम 2 डजन एप्पल्स। ममता का भाई है, ऐसी चुपके से आ गई पीछे के दरवाजे से। माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स होम 2 डजन एप्पल्स, ऐसी उपासना भी आ चुपके से आई। तुम ऑक्सीजन नहीं संजीव, ज्यादातर खुशी। देखिए, माई फादर ब्रिंग्स होम, ब्रिंग होम, होम के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे अपने घर ला रहे हैं, या तो बताएं कि किसके घर, टू योर होम, टू मोहन्स होम, ऐसा कुछ कहें, कुछ नहीं कह रहे, मतलब जो फादर है उन्हीं का घर, तो फिर ब्रिंग होम, गो होम ऐसे होगा। 2 डजन एप्पल्स ये नहीं, या होना चाहिए 2 डजन एप्पल्स, डजन होगा। अब इसका रूल नाउन के चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है प्लूरल नंबर के बाद ऐसा कोई वर्ड आए, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ऐसा कोई वर्ड हो और फिर कोई नाउन हो एक और, तो प्लूरल नंबर के बाद जो नाउन आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है डजन, 100, 1000, ये पूरे रहेगा सिंगुलर में, ये सिंगुलर में रहेगा। जैसे 500 बॉयज नहीं कहेंगे, 500 बॉयज, 500 बॉयज ऐसे कहेंगे, तो डजन्स को प्लूरल नहीं करेंगे, बस डजन करिए, इसलिए सी में मिस्टेक थी। हाँ, या तो फिर दूसरी चीज देखिए, डजन्स अगर कहना है, अगर डजन्स कहना है तो फिर आपको डजन्स ऑफ एप्पल्स कहना पड़ेगा, फिर आप कोई संख्या नहीं लगा सकते। माई फादर ब्रॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स, कोई नंबर नहीं इसके पहले, चाहिए क्या ये, मेरी थोड़ा बदल जाएगा। बाय मैम 2 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, देखिए संजीव आपने वो ठीक है, आपने लॉजिक अच्छा लगाया, लेकिन ये जो होम वर्ड है, होम जो है वो नाउन भी होता है और एडवर्ब का भी काम करता है। अब इसका रीजन थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन होम जो है वो एडवर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी होता है। अब जैसे आप ये बताइए, ये कहा जाए ही वेंट देर, ही वेंट देर सही है, वो वहां गया था, या ही वेंट टू देर, इसे बताइए क्या होना चाहिए, फर्स्ट सही है या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड कौन सा सही है। फर्स्ट, हाँ सही, फर्स्ट ही करेक्ट है, ही वेंट देयर कहेंगे। नहीं नहीं संजीव, ही वेंट देयर कहा जाएगा, क्योंकि हियर और देयर जो है, हियर देयर ये दोनों एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन बहुत ही रेयर केस में आता है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है, तो ये गलत था,
पहला वाला सही है, एडवर्ब के पहले नहीं आता। जब होम जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो इसके पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन जब नाउन का काम करेगा तो आएगा। अब नाउन का कैसे करेगा, जैसे कि ही वेंट होम, सही है ही वेंट होम, यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेकिन ही वेंट टू अनिल्स होम। अब जब आप अनिल्स कह रहे हैं, जब आपने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, जब ये लगाया तो अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन आता है। अपोस्ट्रोफी जैसे अनिल्स बुक, अनिल्स फैमिली, अनिल्स फादर, अनिल्स फूड, ये सारे नाउन है ना, तो नाउन की तरह जब यूज हो रहा है तब फिर टू आया, तब टू यूज हुआ, जब एडवर्ब की तरह है तब नहीं। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन इसका था। नेक्स्ट पे चले, वेलकम संजीव। 19, द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। दादी माँ थक गई, आप लोग तो फिर दादी माँ की मजाक उड़ा रहे हैं। रोहित भी, रोहित बड़ा देर से आए। अच्छा, लुढ़क गई। दादा के पास गई था, हाँ बेचारी दादा के पास गई थी। आज हम जा गए थे, अच्छे 100 साल की थी, हमने उनकी पिक ली। अच्छा यही वाली तो नहीं थी, यूपी पीसीएल एआरओ के एग्जाम दिए। अच्छा कैसा हुआ रोहित, देखिए द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग, सही बताया, टू बिग तो बोलने में सही, लेकिन टी ओ ओ मतलब इतना बिग है, इतना बड़ा है कि ट्रेनी उसको हैंडल नहीं कर सकता, इतना बड़ा है कि हैंडल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इतना के लिए टू ये वाला नहीं आता, टी डबल ओ वाला आता है, टी ओ ओ। So the new project is too big. Next. अच्छा काफी इंटेलिजेंट है, मेहनती भी है बेचारी दादी माँ, और याद रह जाता है उन्हें कि किस टाइम क्लास है। Unfortunately, the new scissor I have purchased are blunt. संजीव मेरी इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं संजीव, आप अन अकेडमी पे भी क्लासेस करिए। देखिए बिल्कुल बेसिक्स, अगर आपकी वीक है, आपको एहसास इस बात का है, तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन पढ़ना बेसिक से पड़ेगा, ये क्वेश्चंस हैं, और लेकिन ये अच्छी चीज दूसरी है कि आप समझ के पढ़ रहे हैं, अभी आपने सवाल पूछा तो समझ के आप कर रहे हैं, तो आप बेसिक से करिए, उसके लिए प्लस का कोर्स है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लासेस करिए, फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड बैच प्लस नाम से चलता है। SZ10, हाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ये रेफरल कोड है SZ10, इसे डिस्काउंट मिलेगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली द न्यू सीजर, सीजर कुछ नहीं होता, सीजर कुछ होता ही नहीं है, ये वो रूल है, ये भी नाउन में आता है, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सनग्लासेस, ग्लासेस,
ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा एस लगा रहता है, तो सिजर्स होना चाहिए, एस लगा रहेगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, सिजर्स आई हैव परचेज आर ब्लंट, ये ठीक है, मतलब शार्प नहीं है, लेकिन सिजर्स होना चाहिए, तो बी में मिस्टेक है। वेलकम संजीव। हाँ टोंग्स प्लायर्स ये भी इसी में आएगा, बिलोज बहुत सारे हैं, स्केल्स। ठीक चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये तो लास्ट था, तो ये लास्ट था, किसी कितने सही हुए अब कुछ काउंट किया? उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बचपन से बट। अच्छा ये अब क्लियर हुआ। नहीं ये वाला रूल तो लंबा है, पूरा लंबा रूल है, नाउन में पढ़ते हैं। देखिए आप एडमिशन लेना चाहें तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं SZ10, पेमेंट करने से एक रॉन्ग जब से। अच्छा वेरी गुड। अच्छा काउंट ही नहीं किया। देखिए SZ10 रेफरल कोड है, प्लस का बैच ज्वाइन करना चाहें तो आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और 10% क्रेडिट्स के थ्रू है। थैंक यू तनु, गुड नाइट। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। और ये जो रेफरल कोड है प्लस में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी सब सब्जेक्ट्स की, बेसिक से हाई लेवल तक, और डाउट क्लासेस होंगे, क्विजेस, उसमें टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। संजीव बेसिक इंग्लिश की जो क्लास होती है प्लस पे होती है, उसी के लिए ये रेफरल कोड है, उसे आपने ज्वाइन कर रखा हो प्लस तो आप उस पर कर लीजिए। 6 बजे होती है, 6 बजे बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश का सिलेबस शुरू हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, अभी स्टार्ट किया है 3-4 दिन पहले ही, तो आप वो कर सकते हैं। आज वर्ब्स का क्लास किया। थैंक यू, गुड नाइट आईएस। इंग्लिश हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अन अकेडमी में पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। खुश रहिए मेहुल। ठीक उसके लिए पेड मैच तो, और वीडियो के स्टार्टिंग में वो सब फीस और सब बताया था, 20% डिस्काउंट मिल जाता है, और कोड से या प्लस आप क्रेडिट्स के थ्रू, और EMI का भी ऑप्शन है, वो सब बता ही चुके हैं। थैंक यू संजीव। और टाइमिंग्स देख लीजिए एक बार, क्लास की टाइमिंग्स हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, आप यूपी स्टेट की कैटेगरी में नाम सर्च कर लीजिएगा, शीना नौरीन प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, वैसे शीना नौरीन जैदी पूरा नाम है, आप कहीं भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। और इसमें प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं डिस्काउंट नहीं, प्रोफाइल फॉलो करने पे नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लासेस होती हैं फ्री क्लास 1:30 बजे और 5:30, 1:30 वाली तो रोज ही होती है, 5:30 वाली अभी नहीं हो रही क्योंकि अभी प्लस का बैच चल रहा है, पेड बैच 6 बजे। 10% डिस्काउंट मिलता है, नहीं 20 मिलता है, 10% ये कोर्ट से और 10% क्रेडिट से, वॉच मिनट से ना। आपकी क्लास करके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू मोम्सा। 20% डिस्काउंट मिलता है, IAS आपको कितना मिला? आपको कम मिला डिस्काउंट, आपने क्रेडिट्स नहीं यूज किए, उसका पता नहीं होता कई बार बच्चों को। 9:30 पे रेगुलर क्लास होती है और रोज होती है, और बीच में अभी कुछ दिन ये 4 बजे वाली भी होगी। अरे 10% लो, कम मिला आपको तो फिर से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल 1:30 वाली नहीं है, रोज होती तो है। हाँ ये तो आपने कुछ और यूज कर लिया, SZ10 नहीं किया इसलिए आपको नहीं मिला। लाइव
क्लास ज्यादा अच्छी लगती है बट जॉब की वजह से नहीं कर पाते हैं। हाँ रोहित, ये तो बात है, लाइव क्लास में आप डाउट भी हो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, वही कम से कम कर लीजिए। फेसबुक मेरे पास केपी ठाकुर की है, वो लूसेंट वाली आपके पास है। और देखिए संजीव, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? वैसे आप ग्रामर की अगर बुक के हैं, उसमें वो कैप तो है ही, लेकिन आप एक किताब ही ले लीजिए अगर आप दूसरी पूछ ही रहे हैं, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर के लिए सबसे सही यही रहेगी, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह, ये इसके राइटर हैं। ये मिस्टेक्स हैं इसमें भी, गलतियां हैं, लेकिन कम है, औरों के कंपैरिजन में काफी कम गलतियां हैं। हाँ लूसेंट भी नहीं, लूसेंट सही है, अच्छी है, मतलब उसमें आसान ढंग से दिया है, लेकिन ज्यादा मिस्टेक्स हैं रोहित। ठीक है, यस, ज्यादा गलतियां हैं। एसपी बख्शी मिरर ऑफ कॉमन एरर है, नीतू सिंह की भी ले सकते हैं, पैरों नीतू सिंह मैम की भी ले सकते हैं, एसपी बख्शी मुश्किल पड़ जाएगी, वो उनके लिए ठीक है जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेस है, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत अच्छी है, इस मामले में आसान ढंग से ही बताया है, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत है, मिस्टेक्स बहुत कम है। थैंक यू संजीव। और क्लास रेगुलरली अगर आप करें तो जैसे प्लस ज्वाइन कर लें तो सारे रूल्स उसमें पढ़ लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए ये फ्री क्लासेस हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं रोहित, कंटेंट अच्छा है, ये बात है, अच्छा दिया है, ज्यादा दिया है इस मामले में तो है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नीतू मैम की कैसी है? देखिए ठीक है, मिस्टेक्स हैं उसमें, ठीक ही है, बस अच्छी नहीं कहेंगे, मिस्टेक है। अच्छा आपको, हाँ वो बच्चों को लगती है, क्योंकि आपको देखिए रोहित ये भी है ना, आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगी, उसमें जो गलती है आपको पकड़ में नहीं आएगी कि इसमें गलत दिया हुआ है। हाँ आसान ढंग से, इसीलिए बच्चे बड़ा उसे खरीदते बहुत हैं, आसान तरह से बच्चे को लगता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हैं वो पता नहीं चलता। प्रैक्टिस के लिए अच्छा नहीं, अच्छा वो नीतू सिंह मैम की, देखिए ज्यादातर किताबों ने आजकल क्या किया है, ये ऑलमोस्ट सारी किताब इंडियन बुक्स ने ये किया है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के दे दिए अलग अलग एग्जाम्स के, और अपने नाम से ऐसा दिखाया है कि ये हमारे ही सवाल हैं, या तो आप साफ साफ लिखे हैं प्रीवियस ईयर्स के हैं और वो ही दे दिए हैं, अपने सवाल बना के देना चाहिए था, तो सब में कॉमन से सवाल है, आप कंपेयर करें तो बिल्कुल कॉमन, नाम तक उन्होंने कॉमन यूज किए हैं, जैसे किसी में सुरेश नाम है तो सुरेश ही दूसरे में भी होगा, वो भी चेंज नहीं किया। किरण में तो और भी ज्यादा गलतियां हैं। गुड नाइट संजीव, प्लेटफॉर्म करके आती है, हाँ हाँ पता है, प्लेटफॉर्म भी देखी है, प्रैक्टिस हाँ उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। ओके आपके लिए चाहे जो बुक लो, बाकी रूल्स की प्रैक्टिस तो मैम खुद ही, हाँ रोज की प्रैक्टिस हो ही जाएगी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल 6 बजे प्लस वाले, और यूट्यूब पे 9:30, तो थैंक यू, गुड नाइट।